हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो आज हम फिर से आपके लिए एक और शानदार वीडियो लाए हैं, जिसमें तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि मार्केट में ऐसे कैसे मूव्स हमें देखने को मिले, क्या मार्केट ने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया और अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कल के लिए। सबसे पहले चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे चलेंगे। ऑप्शन चेन में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा, जो एक बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपका लॉस भी डिफाइंड है और उसमें आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड है। मैक्सिमम लॉस आपका इसमें 1000 हो सकता है, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता मार्केट कहीं भी चले जाए, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइंड है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट 6500 है। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1:6.5, जो कि बहुत अच्छा है। तो वो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शन चेन पे आएंगे। सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस अब शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, और आप वीडियो में कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं। इंट्राडे में सबसे पहले निफ्टी में ने कैसे मूव्स दिखाए। तो मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था, आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं गैप अप ही ओपन हुआ था। फिर मार्केट ने वहां से लगातार करेक्शन शुरू हुई। मार्केट हमारे लेवल जो था 11,220, ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल था, और जो हमारी ये लाइन थी ये मैंने बताया था 11,205, तो इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जैसे ही ब्रेक किया आप देखिए कितना शार्प फॉल आया मार्केट ने, और मार्केट लगातार फॉल करता रहा। मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया, मोर देन 100 पॉइंट्स का फॉल हमें मॉर्निंग में ही देखने मिला। स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में ही मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिखाया निफ्टी ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, लास्ट वीडियो यानी हमारी जो मंडे एनालिसिस वीडियो थी, अगर वो आपने देखी होगी तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है और यहाँ से हमें एक फॉल अच्छा देखने को मिल सकता है। सपोर्ट भी आपको बताया था, अब हमने आपको बताया था 11,100 सपोर्ट। अब देखिए मार्केट एग्जैक्टली, मार्केट ने एक बार इस लेवल को टेस्ट किया, इसे हल्का सा ब्रेक भी किया, पर नेक्स्ट कैंडल में फिर मार्केट इसके ऊपर आ गया, और फिर आप देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ से भी इस रेड कैंडल ने फिर से इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला। तो मार्केट ने आज भी हमारे लेवल को अपर साइड भी रिस्पेक्ट किया और लोअर साइड भी रिस्पेक्ट किया। मार्केट फिर पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड करता रहा, मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की, बार बार आपको दोनों साइड मूव्स देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, जो सेलर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज बनाया होगा, क्योंकि आप देखिए रेंज बहुत ही छोटी थी, मार्केट अप डाउन ही होता रहा और एक्सपायरी बहुत नियर है, तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है, तो ऑप्शन सेलिंग आज एक अच्छा ऑप्शन था। फिर मार्केट लास्ट में फिर से करेक्ट हुआ और मार्केट फिर से अराउंड उन्हीं लेवल के पास आ गया जो हमारे थे, लेकिन मार्केट एवरेज क्लोज होता है तो हमारी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 11,130 के आसपास आई है। तो अब ये हमारी क्लोजिंग आ गई है निफ्टी की। इंट्राडे मूव्स हमने देख लिए कि कैसे हुए, तो अब आगे का जान लेते हैं कि आगे का क्या व्यू है और क्या मार्केट आगे भी ऐसा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा और किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें वॉच करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम है, अब ये देख लेते हैं लाइन की वैल्यू कहाँ आ रही है। 11,220 अपर साइड जो मेजर रेजिस्टेंस है वही है, 11,220 हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अभी मेजर जो अभी इमीडिएट है वो है 11,100, सबसे पहला सपोर्ट है। तो मार्केट का व्यू अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में वीकनेस ही है। हाँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे आज की मार्केट में। तो कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे आईटी सेक्टर ने स्ट्रेंथ दी मार्केट को और बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को ड्रैग किया। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही, उसके एनालिसिस पे भी चलेंगे, तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छी करेक्शन दिखाई आज और बहुत शार्प फॉल आया। आईसीआईसी के दो रिजल्ट ठीक ठाक ही आए थे, फिर भी आईसीआईसी बैंक बहुत ज़्यादा गिरा आज। तो ये आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दो मेजर थे जिन्होंने मार्केट को ड्रैग किया नीचे की साइड, और सपोर्ट मार्केट को मिला इन्फोसिस और टीसीएस से। रिलायंस भी सुबह काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन एंड में आते आते उसने भी अपने सारे गेंस गिवअप कर दिए, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। तो ये ओवरऑल मार्केट के आज कंट्रीब्यूटर्स से आईटी सेक्टर ने मेनली सपोर्ट किया मार्केट को और बैंकिंग सेक्टर ने ड्रैग किया। अब चल लेते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस पे ही लॉन्गर टाइम पे। तो ये अब आगे के लिए व्यू क्या है, आगे भी ऐसी वीकनेस कंटिन्यूस रह सकती है, लेकिन हमें लेवल को ध्यान रखना है 11,100, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हम इसे ब्रेक नहीं कर रहे ना, हमारा क्लियर कट हमें सेल ऑफ नहीं लेना है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 30 पॉइंट दूर है। 11,000 अगर हम 11,100 ईजिली ब्रेक कर देते हैं, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगती है तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं।
तो फिर हम यहां तक आएंगे, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा 1025 11030, ये लेवल होगा जहां तक मार्केट फिर आ सकती है, और 70 पॉइंट्स का फॉल और मार्केट में यहां तक हो सकते हैं। मुझे इस एक्सपायरी में लग रहा है कि मार्केट हो सकता है 11000 के आसपास कहीं एक्सपायर हो, उसका रीजन भी मैं आपको कहीं बताऊंगा आगे, हम देखेंगे उसका रीजन भी। तो अभी के लिए मार्केट में यही लग रहा है कि वीकनेस है, और 11000 मार्केट को इस एक्सपायरी में एक बार टेस्ट करना चाहिए। तो 11000 लेवल मार्केट शायद एक बार इस एक्सपायरी में टेस्ट जरूर करेगा, सपोर्ट हमारा वहीं आएगा 11025 11030 के आसपास, यहाँ पे हमारा सपोर्ट मिलेगा। और 11100 को हम ब्रेक कर देते हैं, अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो हमारा मेजर सपोर्ट फिर काफी दूर है 11815। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउनफॉल देखने को मिलेगा अगर हमने 11025 लेवल को ब्रेक किया, तो 200 पॉइंट्स फर्दर हम डाउनफॉल देख सकते हैं। ये मैं इस एक्सपायरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड बता रहा हूँ कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू ऐसे रहेगा, इन लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम कहाँ तक, ये हमारे नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे। 11100 फर्स्ट सपोर्ट है, उसे ब्रेक करेंगे तो हमारा आएगा 11025 30 इस रेंज में, और उसे भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम 11800 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अपर साइड में रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, 11220 ही एज अ रेजिस्टेंस मेजर वर्क करने वाला है। अब हम देख लेते हैं, याद रखिएगा मैंने आपको कहा 11000 हमें इस एक्सपायरी में एक बार जरूर टेस्ट करना है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा। तो ये देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी ने कैसे मूव दिखाया। तो अब बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स देखते हैं, सबसे पहले अपर साइड 23 था, लेकिन हम मार्केट में आज नेगेटिव फ्लैट ओपन हुए और वहां से बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला, और मार्केट बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया आज करेक्टली। आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स के साथ हमें फॉल देखने को मिला, और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही था बैंक निफ्टी में, हमें ज्यादा कहीं पुल बैक देखने को नहीं मिला, फिर भी बैंक निफ्टी में हमारे लेवल को पूरा रिस्पेक्ट किया। आप देखिए यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल कंटिन्यूस डाउनफॉल, और आप ये देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी 22010 ये लेवल है, 22000 हमने बताया था एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, तो मार्केट यहाँ तक आया, इसने एज अ सपोर्ट वर्क किया, और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने को मिला। फिर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आया, फिर मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस लिया, लेकिन अब जब तीसरी बार टेस्ट किया तो ये सपोर्ट हो गया वीक और इसे कर दिया मार्केट ने ब्रेक। और जब एक बार एक लेवल को ब्रेक कर देता है उस सपोर्ट को, तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। अब आप नेक्स्ट कैंडल में देखिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया, मार्केट ने ट्राई किया इसके ऊपर जाने का, पर नहीं जा पाए क्योंकि एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। अब फिर मार्केट कंटिन्यूस इसके नीचे ही रहा और हमें एक नेगेटिव ही क्लोजिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ, तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक था आज। अब कल के लिए क्या है, अब जो हमारा सपोर्ट ब्रेक कर गया है तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा 22000। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमें यही ध्यान रखना है कि जब तक इसके नीचे मार्केट है 22000 के, तो नेगेटिव ही रहेगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में नेगेटिव व्यू ही रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है बैंक निफ्टी का। अब लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आगे के लिए क्या लेवल्स और इंपॉर्टेंट होंगे। रेजिस्टेंस तो हमें दिख गया है कि 22000 इमीडिएट रेजिस्टेंस बनने वाला है, लेकिन और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, हमारा नीचे का डाउन टारगेट क्या हो सकता है अगर हम नेगेटिव व्यू रखते हैं और मार्केट में सेल करने की सोचते हैं, तो हमारा टारगेट आएगा कहीं 21200। अब मार्केट का सपोर्ट यहाँ मिलेगा, आप देखिए पहले मार्केट ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये देखिए ये सारी कैंडल्स का सपोर्ट 21200, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 21200 ही मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो अब फिर से मार्केट का सपोर्ट 21200 पे मिलेगा और रेजिस्टेंस बन गया 22000। तो ये 800 पॉइंट्स की रेंज है, अभी हमारे पास रेंज के आसपास है, तो यहाँ से सेल ऑफ आएगा तो हम इमीडिएट 21200 की तरफ आते हुए देख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं ट्रेड के लिए, कल के लिए भी स्पेशली, और एक्सपायरी के लिए भी, क्योंकि एक्सपायरी में अब ज़्यादा दिन है नहीं, ओनली 3 दिन रह गए हैं एक्सपायरी में। तो अब अपने ट्रेड्स बहुत ही ध्यान से बनाइए, और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने ट्रेड्स एक्सपायरी में रिस्क ज़्यादा मत लें, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड बताएं, क्योंकि अगस्त के मंथ में मोस्टली एक्सपेक्टेड है नेगेटिव मार्केट रहने वाला है। अब चल लेते हैं हम ऑप्शन चेन पे, वहां पे मैं आपके साथ ऑप्शन चेन भी डिस्कस करूंगा मार्केट के लिए, और साथ साथ आपके एक स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अब ये हमारा ऑप्शन चेन डाटा है एग्जैक्टली, अभी एट द मनी 11100 लेते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या मार्केट को यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा सपोर्ट। इंट्राडे में तो पोजिशन आप देखेंगे तो 3,99,000, 4,00,000 कॉल राइटिंग हुई है, और पुट राइटिंग कुछ खास नहीं हुई है, ओनली 13,000, तो इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ओआई का डाटा अभी भी पुट साइड में ज़्यादा है 24,00,000 एंड
19,67,000, तो ऑलमोस्ट 5 लाख का गैप है यहाँ पे। तो अभी भी थोड़ा सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट हम नहीं कह सकते, 5 लाख कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं होता, इतना तो इंट्राडे में इजिली हमें देखने को मिल जाता है। मैं आपको और जगह और लेवल्स पे दिखा भी दूंगा। तो अभी यहाँ पे कोई 11,100 पे मार्केट में स्लाइटली सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन। चार्ट में तो दिख रहा है हमें सपोर्ट, लेकिन ऑप्शन चेन पे इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो मेजर सपोर्ट मिलेगा कहाँ मार्केट को? तो मार्केट को मेजर सपोर्ट जो मैक्सिमम ओआई है वो हमारा है पूरी इस वीकली या अब मंथली एक्सपायरी भी कह सकते हैं अभी, तो 42 लैक्स के साथ 11,000 पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इस एक्सपायरी के लिए कौन सा होने वाला है? 11,000 फॉर द सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है? 11,200 देखेंगे तो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बन गई है। आप देखिए टोटल ओआई भी 40 लाख है, इंट्राडे में 14,65,000 कॉल राइटिंग हुई है, ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है, और पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो ये तो और चीज़ को कंफर्म कर देता है कि 11,200 तो शायद इस एक्सपायरी में दोबारा हमें देखने को ना मिले और यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल में कंटिन्यू रहे। ओवरऑल ओआई का गैप 28 लाख, बहुत अच्छा नंबर है। इंट्राडे ओआई आप देखेंगे पुट अनवाइंडिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, तो वो अच्छे से बता रहा है 11,200 अच्छा रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा मार्केट को, 11,100 पे है, पर स्लाइटली सपोर्ट है, उसे ब्रेक कर देते हैं तो 11,000 पे सपोर्ट है मेजर इस एक्सपायरी के लिए। 11,200 पे मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, काफ़ी अच्छा इंट्राडे कॉल राइटिंग भी हुई है और ओवरऑल ओआई भी बहुत अच्छा डाटा है, तो ये हमें बता रहा है। अब मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेता हूँ। अब जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आप 3 लेवल्स को ध्यान रखिए। 11,000 पुट की वैल्यू देख लेते हैं 49 रुपीज़, 11,900 पुट की वैल्यू 27 रुपीज़, और 11,100 पुट की वैल्यू 87 रुपीज़। ये तीनों वैल्यूज देख ली। अब करना क्या है हमें? 11,100 लेवल को सेल करना है, ठीक है, और इन दोनों लेवल्स पे बाय करना है एक एक लॉट। सिंगल लॉट बाय करेंगे 11,100 की पुट का, और एक लॉट बाय करेंगे 11,900 की पुट का, और दो लॉट सेल करने हैं हमें, दो लॉट सेल करने हैं 11,000 की पुट के। तो सेल वैल्यू कितनी आ रही है आप एक बार देखिए, 49 है, 49 × 2 = 98, राउंड ऑफ हम 100 ले लेते हैं कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए। तो टोटल सेल वैल्यू आ गई हमारी 100 रुपीज, ठीक है। बाय वैल्यू कितनी है टोटल? 87 रुपीज प्लस 27 रुपीज, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आता है 114 रुपीज। तो हमने बाय किया 114 में, ऑलरेडी 100 रुपीज़ में सेल कर रखा है, तो मैक्सिमम लॉस कितना है हमारा? 14 × 75, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो हमारा मैक्सिमम लॉस है, तो हमने मैक्सिमम लॉस मान लिया अपना 1,000 रुपीज़। अब वो आप किसी भी लेवल पे चेक कर लीजिए, आपको 1,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मार्केट कहीं भी चली जाए। आप स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे कि हमें 11,000 के दो लॉट सेल करने हैं, और 11,100 प्लस 10,900 इन दोनों का एक एक लॉट बाय करना है। वैल्यूज मैंने आपको बता दिया। अब हमें, मुझे क्या लगता है मार्केट 11,000 पे एक्सपायर हो सकती है? क्यों हो सकती है 11,000? मुझे क्यों लेवल लग रहा है, और 11,000 पे होती है तो हमें बेनिफिट कैसे होगा? देखिए 11,000 क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पुट साइड में देखिए 42 लाख पोजिशंस, कॉल साइड में देखिए ऑलमोस्ट 20 लाख पोजिशंस, तो जो ओवरऑल ओआई है ना वो ऑलमोस्ट आता है दोनों मिला के 62 लाख, और वो और किसी लेवल पे नहीं है। तो इस लेवल को कहते हैं मैक्सिमम पेन। अब मैक्सिमम पेन क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगा ना 11,000 पे, तो कॉल साइड वाले भी, कॉल भी ज़ीरो हो जाएगी, पुट भी ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉल और पुट बायर्स है ना उनको मैक्सिमम लॉस तब होगा मार्केट में, सबसे ज़्यादा पोजीशंस यहीं पे है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा लॉस कब होगा? जब मार्केट 11,000 पे एक्सपायर होती है। तो मैक्सिमम पेन हमारा मार्केट का कहाँ है? 11,000 पे। अब मार्केट मान लेते हैं 11,000 पे, क्यों? रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ क्यों एक्सपायर होना चाहिए इसके आस पास, तो मार्केट को एक बार टेस्ट करना चाहिए। अब अगर करता है, देखो रिस्क तो हमारा ऑलरेडी डिफाइंड, अगर नहीं करता अपर साइड कहीं भी चले जाता है, लोअर साइड कहीं भी चले जाता है, तो उसका ऑलरेडी डिफाइंड है कि रिस्क आपका 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट अब कैसे होगा आप देखिए, अगर मार्केट 11,000 पे एक्सपायर हो जाता है तो हमारी ये जो पुट की वैल्यू है ज़ीरो हो जाएगी, और ये हमने सेल कर रखे हैं, तो जो हमने 100 वैल्यू सेल कर रखी है वो 100 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 100 का हमें प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी,
लॉस होगा उसमें से 27 पॉइंट्स का लॉस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने बाय की थी और ये जीरो हो चुका होगा क्योंकि हमारी एक्सपायरी हुई 11,000 पे। 10,900 की पुट बन जाएगी जीरो, ठीक है, ये पुट जीरो हो गई। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया 100 पॉइंट्स का, तो ओवरऑल पॉइंट्स हो गया 73। अब 73 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब 73 में आप 11,100 देखिए, अगर मार्केट 11,000 हो जाएगी तो इसकी पुट की वैल्यू क्या होगी 87 से 100 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हमें 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो 73 + 13 यानी 86 पॉइंट का हमें प्रॉफिट। तो मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार, 86 × 75 का लॉट, तो हमें वो ऑलमोस्ट जो मैंने आपका कहा 6500, वो 6450 आता है। ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर मार्केट 11,000 के आसपास एक्सपायर होती है, और यहाँ पे आसपास आती भी है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल, आप खुद लिख के, हो सकता है आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में इसके रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है और मैंने आपको समझा दिया है कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस, हाँ लॉस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता इस स्ट्रैटेजी में, चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए, ठीक है। तो अभी स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, 1,000 लॉस 6500 प्रॉफिट, इतने लॉट्स में अगर आप साइज बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेरी कर जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल आज का एनालिसिस था फ्रेंड, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जाते जाते, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।